जय हिंद दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू वन अदर वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एआई टूल के बारे में जो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। जी हाँ, लिटरली कुछ भी। You serious? Yes, I'm damn serious। जैसे कि ये क्रैब डांस कर सकता है। जोक्स अपार्ट, बट चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है जिससे आप लिटरली काफी कुछ करवा सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम बीड, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल सर को रिगार्डिंग अ लीव जो आप लेना चाहते हैं किसी भी एक्सक्यूज की वजह से। आपको एक इंस्टाग्राम कैप्शन लिखवाना है अपने लिए या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या फिर आपको एक लिंक्डइन ब्लॉग लिखवाना है बड़ा सा अच्छा खासा हैशटैग्स के साथ, या फिर आपको बड़े बड़े एसेज लिखने हैं अपने कॉलेज या फिर स्कूल के असाइनमेंट्स के लिए। चैट जीपीटी इज द गो टू टूल। लेकिन ये जो चीजें मैंने आपको बताई, राइटिंग एप्लीकेशन, असाइनमेंट लिखवाना, ये सारी चीजें तो हर कोई कर सकता है। नॉर्मली हम गूगल पे भी सर्च करते हैं तो 4-5 वेबसाइट्स के बाद हमें सारी चीजें मिल जाती हैं। चैट जीपीटी में ऐसा क्या अलग है? तो चैट जीपीटी में काफी कुछ अलग है। एंड द मेन थिंग दैट इट हैज इज अडॉप्टिव, पर्सनलाइज, मल्टीलिंगुअल, इमोशनल इंटेलिजेंस। सुनने में काफी भारी भरकम शब्द लग रहे हैं, बट कोई बात नहीं, लेट मी सिंप्लीफाई दिस फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी बेस्ट फ्रेंड है नेहा, उन्हें आपको प्रपोज करना है एंड आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या मैसेज लिखना है, कैसे मैसेज लिखना है। नॉर्मली आप अपने एक बेस्ट फ्रेंड के पास जाओगे जिन्होंने शायद कभी किसी को प्रपोज भी नहीं किया हो, वो आपको अच्छी खासी एडवाइस देंगे, दे हैव द बेस्ट एडवाइस, एंड उसके बाद आपका फेस से कट जाएगा। और आपके साथ इतना बुरा ना हो इसीलिए मैं आपको चैट जीपीटी के बारे में बताने वाला हूँ। आप चैट जीपीटी पे जाते हैं और लिखते हैं, प्रपोज माई बेस्ट फ्रेंड नेहा विथ एन इमोशनल हिंग्लिश मैसेज। हिंग्लिश दैट इज हिंदी प्लस इंग्लिश का मैसेज, क्योंकि आप हिंदी में ही प्रपोज करोगे इंडिया में देख रहे हो तो। एंड बूम, आप देख सकते हो, लाइक सीरियसली पूरा पढ़ लो, आप देख लो आराम से, एंड काफी लोग इसे कॉपी भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पता नहीं चलेगा। एंड द बेस्ट थिंग कि अगर आप यही सेम टेक्स्ट फिर से कॉपी करके चैट जीपीटी पे डालते हो तो ये सेम आंसर नहीं आने वाला है, वो कोई और इससे बेटर मैसेज आपको देने वाला है। तो द बेस्ट थिंग इज कि अगर आपको कुछ भी ऐसा करना है, आप आराम से चैट जीपीटी पे जाओ, अच्छा सा एक फ्रेज लिखो, एंड बूम, ये आपको पूरा मैसेज दे देगा, जो प्रपोज है, जो टेल है, आपके दिल की बात है। So let's move forward, ये और क्या क्या कर सकता है। So मान लीजिए आपका एक टेक चैनल है जैसे मेरा चैनल है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे डालना चाहिए, किस चीज पे डालना चाहिए। सो डोंट वरी, यूजुअली हम काफी सर्च करते हैं, यूट्यूब के अलग अलग वीडियोस देखते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं, वो किस टॉपिक पे बना रहे हैं, क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अब चैट जीपीटी पे चाहिए और वहां पे हम सर्च करते हैं, गिव मी सम सजेशंस ऑफ ट्रेंडिंग टॉपिक्स which I should include in my video for my tech channel. And boom, आप देख सकते हो आपके सामने कितनी जल्दी ये सारे सजेशंस आ गए। And I bet you यहाँ पे जितने भी आए हैं, artificial intelligence, machine learning, blockchain, technology, ये सारे काफी trending topics हैं जो लोग cover भी उतना नहीं कर सकते हैं, and ये बहुत अच्छे trend में चल सकते हैं। अब ये तो ठीक है, क्रिएटिव आइडियाज मिल गए, टॉपिक्स मिल गए, सब कुछ मिल गए, लेकिन बस इतना ही नहीं। मान लीजिए आपको इसमें से एक टॉपिक पे स्क्रिप्ट लिखवानी है अपने YouTube वीडियो के लिए, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पे लिखवाना है। आप चैट जीपीटी पे जाते हो और लिखते हो, राइट ए स्क्रिप्ट फॉर माई यूट्यूब वीडियो ऑन द टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, एंड बूम, ये आ गई आपके सामने स्क्रिप्ट। नमस्ते दोस्तों, एंड ये पूरी स्क्रिप्ट आपके सामने आ गई। That means आपको स्क्रिप्ट लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपके पास एक ऐसा टूल है जो आइडियाज तो ढूंढेगा, टॉपिक्स तो ढूंढेगा, साथ में आपको स्क्रिप्ट भी लिख के दे देगा आपकी लैंग्वेज में। That means आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, है ना कमाल की चीज। एंड बस इतना ही नहीं कि मजे वाले फीचर्स के और भी फीचर्स हैं जो आपकी स्टडीज में हेल्प कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एक असाइनमेंट देना है, अपने कॉलेज में सबमिट करना है पॉलिटिकल साइंस का, जिसका टॉपिक है रियलिज्म इन पॉलिटिकल साइंस, एंड आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे लिखें, कितना लिखें, 200 वर्ड्स का लिखना है। आप चैट जीपीटी पे जाते हो एंड वहां पे मेंशन करते हो, राइट असाइनमेंट ऑफ 200 वर्ड्स ऑन टॉपिक रियलिज्म इन पॉलिटिकल साइंस एंड डू इंक्लूड द पॉइंटर्स। आप पॉइंटर्स में लिखोगे ज्यादा बेटर रहेगा, एंड ये आ गया आपके सामने पूरा असाइनमेंट।
लाइक लिटरली एंड द बेस्ट थिंग, इसके साथ बेस्ट थिंग एक और जो है वो ये है कि ये बहुत ही ह्यूमन जनरेटेड टेक्स्ट होते हैं, जितने भी चैट जीपीटी पे आपको टेक्स्ट मिलते हैं तो कोई भी इसे देख के समझ नहीं सकता कि आपने इसे कॉपी पेस्ट किया है। एंड बस इतना ही नहीं, चैट जीपीटी के यूज से आप एक कॉन्टेंट राइटिंग टीम खड़ी कर सकते हैं, एक ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, एक कॉन्टेंट राइटिंग टीम जिसमें टीम नहीं चाहिए आपको, एक चैट जीपीटी है जो सारा काम करेगा। बीट आपको ब्लॉग लिखना है, बीट आपको कैप्शन लिखवाना है, बीट आपको एसे लिखना है, बीट आपको असाइनमेंट करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है जिसमें आप स्टूडेंट्स के असाइनमेंट सॉल्व करके उन्हें देते हो, फ्री में देते हो अच्छे खासे, उसके आप रेट्स लगा सकते हो, एना बिजनेस वाला फंडा। एंड बस इतना ही नहीं, बाई चांस आपको लगता है कि जितना भी टेक्स्ट है प्लेजरिज्म वाला है, इसमें कॉपी पेस्ट लग रहा है, सो देयर आर वेबसाइट्स जैसे कि एक ये वेबसाइट जिसपे आप जाके प्लेजरिज्म चेकर के थ्रू इसको पूरा करेक्ट कर सकते हो, एक ओरिजिनल कॉन्टेंट बना सकते हो अगर इसमें कुछ भी कॉपी पेस्ट लगता है, एंड आपका कॉन्टेंट कभी भी कोई पकड़ नहीं सकता। ऑलराइट, सो ये थे चैट जीपीटी के कुछ खतरनाक फीचर्स, कुछ बवाल मचा देने वाले फीचर्स जो काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं आपको। ऐसे और भी इसके हैक्स हैं, और भी फीचर्स हैं, एंड अगर आपको उनके बारे में जानना है, आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में बस लिख दीजिएगा कि हाउ टू यूज चैट जीपीटी, क्योंकि इसके यूज करने में काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं। चैट जीपीटी के और भी क्या हैक्स हैं, हाउ टू यूज देम फॉर स्टडी पर्पज के लिए और क्या क्या यूज कर सकते हैं इन्हें, एंड हाउ टू यूज चैट जीपीटी फॉर मेकिंग मनी, ये पैसा भी बहुत आराम से कमा सकते हैं। सो ये सब कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। सो लेट्स एंड दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी या बाय बाय, थैंक यू। अगर आपको इसकी क्रिटिकल थिंकिंग देखनी हो कि कितना क्रिटिकली सोचता है, अरे यार दीदी।